बिजनौर थाना कोतवाली शहर में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। यहां के झालू रोड पर स्थित प्राचीन कालिका मंदिर में शरारती तत्वों ने भगवान भैरव की मूर्ति को तोड़ दिया है। मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति तोड़ने की घटना को अंजाम दिया गया। मामले का पता उस वक्त चला जब सुबह के वक्त पूजा के लिए भक्त मंदिर पहुंचे थे। बिजनौर से ये बड़ी खबर है, जहां शरारती तत्वों की करतूत बिजनौर में सामने आई। भगवान भैरव की मूर्ति को तोड़ा गया, उसे खंडित किया गया। मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति को खंडित किया गया। आपको बता दें कि भक्तों को सुबह के वक्त इस घटना का पता लगा जब वो मंदिर पूजा अर्चना के लिए आए थे। उस दौरान उन्होंने भगवान भैरव की मूर्ति को खंडित पाया और मंदिर का ताला टूटा हुआ था। मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति को खंडित किया गया था। भक्तों को सुबह जब पूजा अर्चना के दौरान वो मंदिर पहुंचे थे, उन्हें इस बात की जानकारी मिली। ये खबर बिजनौर से, जहां शरारती तत्वों ने यहां माहौल खराब करने की कोशिश की है। मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति को खंडित किया गया है और आप ये तस्वीर देख रहे हैं बिजनौर से, जहाँ भगवान भैरव की इसी मूर्ति को खंडित किया गया है। तो बिजनौर थाना कोतवाली शहर का मामला है। जहीर जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। जहीर, क्या पता लग पाया है कि किसने, किन शरारती तत्वों ने ये किया है? यहाँ पर नगीना रोड पर जो है, झालू रोड पर जो है कालिका मंदिर है प्राचीन, उसकी जो है मूर्ति खंडित कर दी गई है घरों की। तो बताया जा रहा है कि कुछ संगी टाइप का कोई व्यक्ति होगा जिसने ये घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और कार्रवाई की बात करिए। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी है उसको हिरासत में पुलिस ने दे दिया है। अभी पुलिस जो है कुछ भी कैमरे पर बोलने को भी तैयार नहीं है। जैसे पुलिस बाइट देगी तो आगे की बात सामने आ पाएगी। जी जी, जहीर शुक्रिया।